ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना वायरस से बचाव और सुरक्षा को लेकर अमेठी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग ने नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने सोशल कोविड 19 के तहत टीमों का गठन किया है। इसमें पहली कोरोना रिस्पांस टीम है। इसके अंतर्गत कुल 19 टीमें बनाई गई हैं। अमेठी में कुल 14 थाने हैं, इसलिए सभी थानों पर एक एक टीम काम करेगी। चारों सर्कलों में सर्कल ऑफिसर के पास भी एक एक टीम रहेगी और इस तरह से कुल 19 टीमें काम करेंगी, जिसमें प्रत्येक टीम में एक उपनिरीक्षक और 3 आरक्षी नियुक्त हैं। इसी के साथ कोरोना टास्क फोर्स नामक दूसरे यूनिट का भी गठन किया है। ये टीम रिजर्व पुलिस लाइन अमेठी में केंद्रीकृत रूप से गठित की गई है। फिलहाल अमेठी में अभी तक कोई कोरोना संक्रमित नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन कोरोना को लेकर अलर्ट है। आज इन्हीं लोगों का प्रशिक्षण करवाया जा रहा है कि आप लोगों को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को कैसे धारण करना है, मास्क की क्या उपयोगिता है, शील्ड कैसे पहननी है, और हेलमेट पहनना है तो उसके आगे शीशे का ग्लास लगा हो, वो नहीं उपलब्ध है तो आप गॉगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस तरह की सेफ्टी हैंडलिंग इनको करनी है, यदि मरीज संदिग्ध है तो क्या करना है, यदि पॉजिटिव है और कॉपरेट कर रहा है तो कैसे लेके जाना है, कॉपरेट नहीं कर रहा है और उसके परिजन जो हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं पुलिस के साथ तो क्या आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे, यदि किसी कारणवश कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मृत्यु हो जाती है तो उस डेड बॉडी को डिस्पोजल तक पहुँचाने के लिए क्या क्या हमारी गाइडलाइन है, उसी के बारे में आज ही प्रशिक्षण दिया जाए। सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करके तब ग्लव्स पहनेंगे, क्योंकि